मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिलियन गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं जो डिश बनाने जा रही हूँ वो कश्मीर की बहुत पॉपुलर डिश है जिसका नाम है रोगन जोश। कश्मीरी डिशेस की कई खासियतें हैं जिसमें पहली है कि उसमें बहुत धीमी धीमी आंच पर पकाया जाता है, स्लो कुकिंग होती है। दूसरी खासियत यह है कि डिशेस में कलर एलिमेंट होता है जिसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी डिशेस में लहसुन प्याज और बग़ैर लहसुन प्याज के दोनों तरह से खाने बनाए जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्याज के साथ ये डिश बनाऊंगी। रोगन जोश बनाने के लिए हमने ये मटन लिया है 300 ग्राम, एक मीडियम प्याज हमने चॉप कर ली, 2 टेबल स्पून हमने दही लिया है, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1.5 टीस्पून हमने ये सौंठ का पाउडर लिया है, थोड़ी सी हमने रतन जोत ली है और 4 लौंग ली है। सबसे पहले गोश्त को हम डालेंगे भगोने में, इसमें डालेंगे 4 लौंग, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून मिर्च डालेंगे, 1/2 ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और ये थोड़ी प्याज डाल देंगे। पानी डालेंगे और इसका स्टॉक बनाएंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया और इसे 80% गला लेंगे हम और ढककर ये हम 20 से 25 मिनट पकाएंगे। मटन हमने गला लिया तो मटन अलग कर लिया, इसका स्टॉक अलग कर लिया और इसमें जो प्याज और मसाला था उसका हमने अलग पेस्ट बना लिया। फ्लेम हमने ऑन कर दिया और अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम ये प्याज। इसमें हम ये डाल देंगे पेस्ट। अब डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये सौंठ का पाउडर। अब इनको थोड़ा भूनेंगे। और भूनने में हम ये स्टॉक इस्तेमाल करेंगे पानी की जगह। अब ये गोश्त भी ऐड कर देंगे। दही भी मिला देंगे और ये सौंफ पाउडर भी डाल देंगे। इसको थोड़ा भूनेंगे इसके साथ। ये स्टॉक डाल देंगे और 15 मिनट हाई फ्लेम पे इसे ढककर पकाएंगे। काफ़ी अच्छा रोगन जोश भुन चुका है, लेकिन 5 मिनट और इसे बंद करके भूनेंगे
ढक देंगे और फिर 5 मिनट भूनेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया, रतन जोत को हम पैन में डालेंगे। ये रतन जोत है, इसे इंग्लिश में एल्कनेट कहते हैं और इसका एक ख़ास कलर होता है जो कि रोगन जोश में बहुत ज़रूरी होता है डालना। ये पेड़ की छाल होती है और ये इसका रंग सबसे ज़्यादा निखर के आता है जब हम इसे घी या तेल डालकर इसका रंग निकालते हैं। रोगन जोश भी तैयार हो गया और देखें इसका हम फ्लेम ऑफ करते हैं। बहुत अच्छा भुन गया। अब ये जो हमने रतन जोत का ये बनाया ये इसमें डाल देंगे। अब ये देखें अब आया इसमें वो कलर जो हमें चाहिए था और वो जोश और वो रोगन जो असल रोगन जोश में होता है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। मटन रोगन जोश हमने तैयार कर लिया। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी कोशिश पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना। मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।